हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हूँ आप सभी ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है गैस पे एक पतीला रखा है, वो भी स्टील का। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है पानी उसके अंदर डालना होगा एक गिलास, जिसके अकॉर्डिंग हमें जो अपने जो एक पेस्ट बनाने वाले, जैसे आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा कि बालों को काला करने का तरीका, तो बस इसी तरीके से मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर हमें जो है गुनगुना पानी करने के बाद जो है, देखिए मैंने इसके अंदर जो इसको अच्छे से ऐड कर दिया। इसके अंदर पानी करने के बाद हम इसके अंदर जो डालने वाले हैं कॉफी पाउडर। तो आप देख सकते हैं ये कॉफी पाउडर मैंने जो है लिया है, ये काफी बड़ा चम्मच सा दिख रहा है आपको, उसके अकॉर्डिंग ही हमें लेना है। हमें इसको अच्छे से घोल लेना होगा। और देखिए मैंने जो डाला है, मैंने सिर्फ दो पैकेट के बराबर डाला है। वो दो पैकेट जो आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, सिर्फ जो दो रुपए वाले जो पैकेट आते हैं उसके हिसाब से मैंने ये वाला पैकेट डाला है। और हमें सिर्फ दो ही पैकेट डालना है, काफी अच्छा। और हम गैस को जो है ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद देख सकते हैं, ये अच्छा सा जो है मिक्स हो चुका है, क्योंकि इनकी जो है गांठें नहीं बनती। क्योंकि अगर हल्के से गुनगुने पानी में इसको ऐड करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्यों जब भी हम कोई पेस्ट बनाते हैं तो पेस्ट में क्या होता है, हल्के हल्के से दाने से आ जाते हैं, वो चीज नहीं आएगी। गरम हल्का सा गुनगुना करना है, जिससे कि कॉफी अच्छे से जो है घुल जाए। अब चलिए सेकंड जो है आप लोगों को जो मैं बताती हूँ किस तरीके से करना है। हम लेंगे यहाँ पर एक काली कढ़ाई। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो एक छोटी सी लोहे की कढ़ाई ले ली है, वो भी आयरन की। और देख सकते हैं आप, मैंने इसको काफी अच्छे से वॉश भी कर दिया, तब भी ये जो है ऑरेंज ऑरेंज कलर का पार्ट जो निकल रहा है, ये हमारा जो होता है आयरन होता है, जिससे कि हमारे बालों को कालापन आता है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है लोहे की काली कढ़ाई ले ली है। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जो ऐड करना होगा है कि काली मेहंदी। आपने देखा ही होगा कि मार्केट में काफी सारी जो है ग्रीन मेहंदी और काली मेहंदी मिलती है, बस उसी की तरह से हमें जो है काली मेहंदी ऐड करनी होगी। काली मेहंदी आपको नॉर्मली तरीके से जो है हर्बल मेहंदी जो है कहीं पर भी मिल जाएगी। तो यहाँ मैं जो काली मेहंदी ले रही हूँ, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कौन सी काली मेहंदी है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ आप लोगों को अच्छे से डिटेल दे दूंगी। यहाँ मैंने दो चम्मच के करीब काली मेहंदी ले ली है, ये हर्बल मेहंदी है याद रखिएगा। और अब इसके अंदर जो हम धीरे धीरे करके जो इस मेहंदी के अंदर हल्का सा जो है पानी ऐड करेंगे। हमें ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, न ज्यादा पतला करना है। इसको 5 मिनट के लिए रख के देंगे, देखिए। और हाँ, इसके साथ साथ हम इसके अंदर जो है, हम इसमें मेन जो अभी इसके अंदर जो ऐड करने वाले हैं वो है मेथी पाउडर। मेथी पाउडर जो आधा चम्मच के बराबर लेना है, जिससे कि बालों में चमक आ जाएगी, ग्रोथ अच्छी होगी, बाल सिल्की एंड स्मूथ हो जाएंगे, बालों में जो एक अच्छा सा एक टेक्सचर बन जाएगा। देखिए मैंने इसके अंदर मेथी पाउडर भी ऐड कर दिया। मेथी पाउडर में जो आपको पता है इतना सारा एंटी ऑक्सीडेंट होता है, काफी सारे जो इसके अंदर पोषण ऐसे मिलते हैं जो हम लोगों को जो है हमारे खान पान से ना मिलकर हमारे बालों में जो इस तरीके से लगाने से मिलेंगे। तो मैं थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा सा एक पार्ट बन जाएगा। बस इस तरीके से इसको घोलना है आपको, और देखिए 5 से 7 मिनट के लिए रखिएगा तो रिजल्ट आपके सामने होगा। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और अगर आपको लगता है इसके अंदर आंवला पाउडर ऐड करना चाहते हैं, और भी चीजें ऐड करना चाहते हैं, तो आप वो डाल सकते हैं। तो मैं इन दोनों को जो हमने ज्यादा से ज्यादा 3 चीजें इसके अंदर ऐड की, इससे ही हम अपने बालों को काला करके दिखाएंगे। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर और भी चीजें अपने ऐड करनी है, आप कर सकते हैं। और देखिए मैं इसमें थोड़ा सा जो है आंवला पाउडर भी ऐड कर दूंगी। आंवला पाउडर क्या होता है कि हमारे बालों को विटामिन सी के कारण जो है बालों को अच्छा से पोषण देगा। आप 1 से 1.5 चम्मच ऐड कर सकते हैं, और इसे जो है मेंस वुमेन सभी इसको यूज कर सकते हैं। ज्यादा इसको जो ऐसा नहीं लगेगा कि इसको जो है सभी यूज करने के बाद क्या होगा कि सबों को रिजल्ट काफी अच्छा देगा, क्योंकि इससे कोई हमारे बालों को कोई नुकसान नहीं होने वाला, कोई हानि नहीं होने वाली। इस तरीके से लगाने से आपके बालों में बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाएगा। तो देखिए अभी तो आपको हल्का हल्का ही ग्रीन दिख रहा है, और जैसे ही मैं इसको जो है भिगा के रहने दूंगी, ढक के रख दूंगी 5 मिनट के लिए। आपको ऐसा नहीं कि पूरी रात बना के भिगा के रखना पड़ेगा, सिर्फ इसे जो है 5 मिनट के लिए मैं इसको जो है ढक दूंगी। और हाँ, ढकने का प्रोसेस भी मैं आप लोगों को फिर से शेयर करती हूँ, काफी टाइम पहले भी मैंने शेयर किया था। देखिए मैंने इसको अच्छे से घोल लिया। अब देखिए ढकने का प्रोसेस जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं। ढकने का प्रोसेस जो है मैं लूंगी यहाँ पर ये फॉइल पेपर। जैसे देख सकते क्या होता है कि इससे एयर पास नहीं होगी, ना इसके अंदर कोई एयर जाएगी, जिससे कि हमारे बालों को कोई नुकसान भी ना, और ये जल्दी ही बालों को काला करेगा। तो मैं इसको जो है करने वाली हूँ फॉइल पेपर से कवर, बिल्कुल टाइट से कर लीजिए। क्योंकि एक्चुअली अगर हम इसमें स्टील का अगर प्लेट रखते हैं, कुछ भी ऐसी चीज रखते हैं, जिससे कि हमारे बालों को काला भी नहीं करेगा, और इसके अंदर हवा जाने की वजह से ये जल्दी से काला भी नहीं होगा। तो इसको देखिए मैंने अच्छे से जो है इसको अच्छे से कवर कर लिया है। इस तरीके से आपको इसको अच्छे से टाइट से कवर कर लेना है, जिस तरीके से मैंने किया है।
और आप बताइएगा मुझे वीडियो में जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरी पिक्चर क्वालिटी ठीक है, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि मैम आपकी जो क्वालिटी के अंदर जो है थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इस बार आप मुझे बताइएगा कि कैसा है। ये देखिए तो मैंने जो है नए इसको जो है एक नए अपने फोन से बना रही हूँ जिसका नाम है नथिंग फोन 1 से। तो आप लोगों को पता ही होगा नया फोन लॉन्च हुआ है तो उसी से मैंने ये इसको बना रही हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसी पिक्चर क्वालिटी है, क्योंकि मुझे मैं ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग जरूर इसके साथ जो मेरे को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए इसके अंदर मैंने इसको बना दिया है, अब मैं थोड़ी सी 5 मिनट के बाद आपको बताती हूँ कि कैसा इसका रिजल्ट आया है। अब आप लोगों को चलो दिखाते हैं, 5 से 7 मिनट हो चुका है। बस ये है कि आपको अपने सारे काम छोड़ने पड़ेंगे, आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि हम इसके अंदर जो आयरन की कढ़ाई में जो इसके अंदर इसको पेस्ट बना रहे हैं तो रिजल्ट आपके सामने होगा, देख सकते हैं। और याद रखिएगा गलती से भी आप इसके अंदर जो कोई भी स्टील की प्लेट मत रखिएगा। देखिए रिजल्ट आपके सामने, अब आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल मेहंदी बिल्कुल काली हो चुकी है। बस इसी तरीके से आपको जो है अपने बालों को भी काला करेगा। बस आपको इसको हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई कर लीजिएगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट वक्त कभी भी इसको ट्राई नहीं करना पड़ेगा, बाल आपके जो है काले होने शुरू हो जाएंगे। और आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से इसे वॉश कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूंगी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, और यूजफुल लगे तो प्लीज ज्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा ब्लैक हो चुकी है, और ब्लैक होने का कारण क्या है, सिर्फ ये आयरन की कढ़ाई। सारी चीजें तो हम बालों में लगाते ही है, बट कभी आप जो इसको ट्राई कीजिएगा किसी एक लोहे की कढ़ाई पे तो देखिए रिजल्ट आपके साथ। अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और भी कुछ भी पूछना भी चाहते हैं तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और इन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगी। और हाँ याद रखिएगा आप हरी मेहंदी की जगह काली मेहंदी अगर ट्राई करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए फ्रेंड बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और हाँ इस पे जो है आई बटन में मैं आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो दे दूंगी, आप वहां जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं।